उभरता पूर्वोत्तर कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र ने पूर्वोत्तर का भूगोल ही नहीं रचा, बल्कि ये नदी तो इस पूरे इलाके के इतिहास की भी गवाह रही है। चौड़े पाट वाली ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी ही नहीं है, ये एक दर्शन है समन्वय का। इसके तटों पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर की पहचान है, साथ ही जीवन और संस्कृति भी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट जिमा योंगजोंग झील से हुआ है। तिब्बत में इस नदी की लंबाई 1625 किलोमीटर, भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर है। इस तरह से करीब 3000 किलोमीटर का सफ़र ये नदी अपने उद्गम स्थल से तय करती है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, चीन में यालू त्सांग पू चियांग या तिब्बत में जहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है वहाँ पर त्संगपो या सांपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र इज द सन ऑफ ब्रह्मा। So other in other parts of the countries, rivers are basically considered as a female entity. But I think it is the only Brahmaputra who is considered as a male entity. So now I am again telling you that the lifestyle of people of this state, that Assamese people, it is somehow related to the river Brahmaputra, directly or indirectly. अच्छा, बारवा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग कहते हैं, जबकि असम में इसे लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं। ऊंचाई को तेजी से छोड़कर ब्रह्मपुत्र मैदानों में दाखिल होती है, तब सादिया शहर के पश्चिम में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे ये नदी घाटी के लंबे घुमावदार मार्ग में प्रवेश करती है, तब कई नदियां इसमें मिलती हैं। तिब्बत से चलती है, तिब्बती संस्कृति को अपने साथ लेते हुए, और असम में आते ही अरुणाचल के विभिन्न क्षेत्रों की जो संस्कृतियां हैं और उससे जुड़ी हुई जो नदियां हैं, चाहे वो लोहित हो, दिहांग हो, वो सब चीज़ों को जोड़ती हुई अरुणाचल की संस्कृतियों को एक साथ करते हुए वो असम की तरफ आती हैं। असम की तरफ जब आ रही होती हैं तो म्यांमार से जो आने वाली नदियां हैं वो भी ब्रह्मपुत्र में समाती हैं, वहाँ की संस्कृति को समेटती हुई। और असम में ये आगे बढ़ते हुए फिर खासी हिल जो मेघालय की है, उधर से जो नदियाँ आती हैं उसको वो अपने साथ जोड़ती है। फिर आप आगे बढ़िए तो भूटान से आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो मेघालय की जयंतिया हिल से, गारो हिल से आने वाली नदियाँ उसमें मिलती हैं, और फिर यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम से आने वाली नदियों को अपने साथ समेटती हुई गंगा से जाकर मिलती है, पद्मा कहलाती है, और फिर मेघना बनकर ब्रह्मपुत्र ये महासागर में विलीन हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। ब्रह्मपुत्र का ऊपरी मार्ग 18वीं शताब्दी में ही खोज लिया गया था, हालांकि 19वीं शताब्दी तक यह अज्ञात ही था। असम में साल 1886 में भारतीय सर्वेक्षक किंथोप और जीएफ निडहम ने त्यांगपो नदी को ही ब्रह्मपुत्र के ऊपरी मार्ग के रूप में स्थापित किया।
20वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने तिब्बत में जीहकात्से तक नदी के पहाड़ी दर्रों की खोज की थी।